और गाजियाबाद में मौत की मदिरा पीकर चार लोगों की मौत हो गई। बलिया में मरने वाले हैं लोग खुलेआम, पूरे रौले से यहां बेची जा रही जहरीली शराब, बलिया से खबर है, जहां पर कई मौतों का इंतजार बलिया प्रशासन कर रहा है। सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठा है बलिया प्रशासन। बोरे में भरकर खुलेआम जहरीली शराब के पाउच बेचे जा रहे हैं। खेजुरी थाने के बेलोना गांव की तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। पूरब से पश्चिम तक धड़ल्ले से बिक रही है जहरीली शराब। गाजियाबाद में चार लोगों की मौत हुई। इससे भी सबक नहीं लिया आजमगढ़, इसके बाद में उन्नाव, कई जिलों में लोगों की मौत हुई लेकिन किसी ने सबक नहीं लिया। और अब देखिए ताजा मामला गाजियाबाद का। गाजियाबाद में मौत की मदिरा पीकर चार लोगों की मौत हुई और बलिया की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर धड़ल्ले से रोजे मिली माल जहरीली शराब के पाउच बेचे जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहां भी कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। यहां तकरीबन 10 से 15 गांवों में जहरीली शराब इसी तरीके से खेतों के बीच में बेची जाती है, क्योंकि यहीं पर बनाई जाती है शराब, देखने वाला कोई नहीं होता। अरे रोजे मिली माल के दिन माल, अरे रोजे मिली माल सुख के दिन दो तस्वीरें, बलिया की एक तस्वीर और गाजियाबाद में देखिए किस तरीके से लोग गुस्से में हैं। चार लोगों की यहां पर मौत हुई है लेकिन सबक कोई नहीं ले रहा है। और धड़ल्ले से बलिया में भी बेची जा रही है अवैध शराब, जहरीली शराब, यहां पर भी मौतों का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन कितना अलर्ट है, कितना सख्त है, ये बलिया की तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लगेगा। और गाजियाबाद में तो देखिए चार लोगों की मौत ही हो गई, कोहराम मचा हुआ है परिवार में। जहरीली शराब पीने से चार लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री सख्त दिखे, समाचार प्लस ने खबर दिखाई, इसके बाद में ताबड़तोड़ एक्शन जरूर हुआ। लेकिन बलिया में देखिए हर रोज इसी तरीके से बीच सड़क पर खेतों के बीच में जहरीली शराब बनाई जाती है और यहीं से लोगों को इस शराब के पाउच बनाकर दिए जाते हैं कुछ पैसों में।